तो दोस्तों, हमें लग चुका है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो फिर इसे कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है, एंड अब आगे क्या करना है, किस वीडियो पे लगा ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एंड क्या आपको अपलोड नहीं करना है, किस कंटेंट पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, कितने दिन बाद आ सकता है, आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा मैं आप सबको, क्योंकि मेरे खुद के वीडियो पे आ चुके हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एंड आपको बताना चाहूंगा कौन से वीडियो पे आए हैं, कितने दिन बाद आए हैं, एंड इससे मुझे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है मुझे, हर कुछ यहाँ पे जिक्र करूंगा, एंड इसे रिमूव कैसे करना है ये भी बात करूंगा, क्या मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव होंगे नहीं होंगे ये भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, आप देख रहे हो A1 टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वहां चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं स्क्रीन शॉट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शॉट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 दिन पहले आया था स्ट्राइक, बट मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम शेड्यूल बिजी थे, इस कारण से मैं शूट नहीं कर पाया ऑन टाइम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो, योर कंटेंट वॉज रिमूव ड्यू टू वोलेटाइजेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। हमने इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को वोलेटाइल किया है, तोड़ा है रूल को, इस कारण से मुझे ये स्ट्राइक मिला है। यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ तो बढ़िया से, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज जस्ट अ वार्निंग, इफ इट हैपेंस अगेन योर चैनल विल गेट अ स्ट्राइक एंड यू वॉन्ट एबल टू डू थिंग्स लाइक अपलोड पोस्ट एंड लाइव स्ट्रीम फॉर 1 वीक। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इस कारण से इन्होंने मुझे वार्निंग दिया है, एंड अगर ये वह स्ट्राइक अगर ये दोबारा होता है तो फिर ये हमें स्ट्राइक देंगे एंड हम उसमें प्रॉब्लम फेस कर पाएंगे, हम अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, हम अपने पोस्ट नहीं कर पाएंगे, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है तो आप अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे, आप पोस्ट नहीं कर पाओगे, आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे, ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, आप थंबनेल अपलोड नहीं कर पाओगे, बहुत सारे इश्यू आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों आता है, कैसे आता है, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार की एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होते हैं। पहला होता है वार्निंग, जो मुझे मिला है फिलहाल, ये वार्निंग मुझे मिला है, ठीक है, क्योंकि ये पहला मेरा था इसलिए मुझे वार्निंग दिया है इन्होंने। एंड अगर आप भी पहला बार कोई वायलेट करते हैं इनके रूल का, तो आपको भी पहला वार्निंग मिलेगा। वार्निंग में आपको कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चैनल को, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यार कहीं ना कहीं दाग लग जाती है, कहते हो ना दाग लगना, दाग लग जाती है। इसके बाद इसका पहला स्ट्राइक आएगा जिसमें 1 वीक तक आप कुछ भी पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते हो, ना ही वीडियो, ना ही लाइव स्ट्रीम, ना ही कोई पोस्ट। दूसरा में अगर आपको दूसरा आ गया तो फिर आपको 15 दिन तक प्रॉब्लम होते हैं, एंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कुछ रूल लागू किया जाता है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। एंड थर्ड अगर आपको आ गया तो फिर आपका चैनल उड़ सकता है, क्योंकि इन्हें लगा कि आप बार बार से मिस्टेक कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार एंड आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आपकी चैनल उड़ा देंगे ये यूट्यूब से। तो यार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आखिर आया क्यों एंड किस वीडियो पे आया, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस प्रकार से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होते हैं। अब आ चुके हैं अपने चैनल के ऊपर में, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस वीडियो पे आया है ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड कैसे इसे रिमूव करना है, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, एंड क्या आपको वीडियो अपलोड नहीं करने हैं, क्या और कितने दिन में ये आ सकता है। तो चलते हैं अपने चैनल के ऊपर में, ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ चैनल पे। यहाँ पे मैं वाइट इशू में क्लिक करता हूँ। वाइट इशू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग चुके हैं, या तो आप रिव्यू कंटेंट करते हो, आप कंटेंट के लिए अप्लाई करते हो, रिव्यू करते हो क्या कंटेंट है, या आप इसे रिमेन मी लेटर, मतलब बाद में मुझे याद दिलाएं, ऐसा को क्या है। तो मैं यहाँ पे इसे ही क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन शॉट दिखा रखे हैं ये सारे कुछ, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दाग मिल जाएगा कि यार आपको लग गया है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो वार्निंग है मुझे। अब इस वार्निंग से क्या क्या इफेक्ट हुआ, मैंने आपको बताया कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक तरह से दाग लग गया, अच्छा नहीं लगता देने में, है ना, एंड अगर बाद में अगर आती है स्ट्राइक तो थोड़े प्रॉब्लम आएंगे आपको। अब मैं चलता हूँ आपको कंटेंट पे क्लिक करता हूँ एंड किस वीडियो पे मिला है, तो मैं यहीं पे इस पे ही क्लिक करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप दोस्तों 30 नवंबर को हमारा आया था ये वार्निंग, एंड ये किस वीडियो पे आया है, हाउ टू डाउनलोड वीडमेट ओल्ड वर्जन। तो ओल्ड वर्जन वीडमेट को कैसे डाउनलोड करें, ये वीडियो हमने बनाया था
जिसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड यूज किए थे, जैसे कहते हैं हाउ डाउनलोड बिटमैट, पुराना वीडियो मैट कैसे डाउनलोड करें, तो इस प्रकार से मैंने बनाया था। एंड ये मुझे स्ट्राइक मिल चुका है वार्निंग का कि वायलेशन मैंने किया है कि रूल्स को। और यहाँ पे दोस्तों मैंने रीअप्लाई किया तो रीअप्लाई में ये रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये वायलेशन है। तो आपको ऑप्शन मिलता है रीअप्लाई का, जो मैं वीडियो नेक्स्ट में ला दूंगा कि कैसे रीअप्लाई करते हैं अगर आपने गलती नहीं किया है तो। गलती किया है तो फिर आपको तो ये रहने वाले हैं, अगर गलती नहीं किया है तो भी ये रिमूव हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे गलती ये करना नहीं है आपको कि आपको अगर स्ट्राइक आती है तो आप उसे रिमूव ना करें, उस वीडियो को डिलीट ना करें। मैंने वीडियो डिलीट नहीं मारा हूं अभी तक, बट मेरी अप्लाई किया तो ये रिमूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने बोला कि आप ये वायलेशन किए हो। मुझे भी लग रहा है वायलेशन किया हूं मैं, क्योंकि ऐसा कोई खास मैंने वीडियो में नहीं बताया, पर भी फिर भी इनके मुताबिक टाइटल एंड टैग जो आप लिखते हो, टाइटल लिखते हो उससे पकड़ता है ये एंड फिर आपको वायलेशन कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या कंटेंट अपलोड नहीं करना है। मैंने क्या कंटेंट अपलोड किया था, वीडमैट को कैसे डाउनलोड करें। तो वीडमैट से यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड होते हैं, बहुत सारे वीडियो डाउनलोड होते हैं तो वो इलीगल कहा जाता है इनके मुताबिक कि यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करना सिखाना नहीं है, तो उससे थ्रू वो वायलेशन में आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी पेड एप्लीकेशन को फ्री में नहीं बताना है कि भाई फ्री में कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, एंड बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद पढ़ सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइडलाइन क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हैं, क्या है नहीं है, बहुत सारी पॉलिसी है यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। तो आई होप आपके लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंट रहा होगा, लाइक कीजिएगा। एंड यार मेरा तो लग ही गया है, मैं इसे रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। वार्निंग कभी भी रिमूव नहीं होता है, जब तक आपके स्ट्राइक नहीं आएंगे तब तक वार्निंग रिमूव नहीं होता है, तो वेट करना पड़ता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का। तो स्ट्राइक आए ही क्यों, अगर आपको रिमूव करना है फिर आपको स्ट्राइक लेना पड़ेगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ठीक है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप नहीं लो रिस्क, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है अर्निंग से। तो चलो कोई नहीं, आ गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बाकी, क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस बात को बताते हुए कि यार मुझे लग गया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जिक्र करूंगा किस वीडियो में आया है एंड कैसे आया है, क्यों आया है, बहुत कुछ डिटेल में बात करूंगा, कैसे आपको रीअप्लाई करना है ये भी बात करूंगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात करते हो। फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।